अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक है यार, एक पंगा हो गया आज हम लोगों ने। मतलब एक वीडियो प्लान करनी थी और जब शाम में अभी बासित के घर पे हूँ और जब शाम में बासित ने आके बाइक स्टार्ट की तो सेल्फी नहीं ले रही बाइक, तो पता नहीं क्या सीन हो गया। चाबी इधर है भाई, सीन ये हो गया। अब पता नहीं बैटरी जो है वो बैठ गई है, क्या सीन है ये देखें। लाइट जल रही है, सब कुछ है। हम बटन ऑन करें और ये बस सिर्फ टक करके आवाज़ आ रही। अब मेरा इतना एक्सपीरियंस है नहीं बाइक्स के मामले में, लेकिन ये है कि हम इसको लेके गए, धक्का स्टार्ट किया, सही है। और इसके बाद फिर हम लोग लेके गए इसको, एक शॉप है मेरे घर के पास जो कि इस स्पोर्ट्स की टाइप की जो बाइक्स हैं उनको देखते हैं लोग, लेकिन वो शॉप बंद हो गई थी। और अब सीन है कि अब हम कल पे चला गया कहानी भाई सारी, और कल ले जाके इसको दिखाना पड़ेगा कि क्या मसला है। अगर के बैटरी लो हो गई है तो फिर इसको चार्ज कराना पड़ेगा, नहीं तो चेंज कराना पड़ेगा। दुआ कीजिएगा खर्चा ना हो कोई भी और चार्ज वार्ज करने से मसला हल हो जाए। चलें, ये तो एक हो गया बाइक की कहानी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे बर्थडे वगैरह हम नहीं मनाते, लेकिन हमारे बासित भाई की आज बर्थडे, तो बर्थडे वाले कॉन्सेप्ट से हट के हम वैसे ही कुछ हल्का फुल्का, कोई डोनट शोनट, कुछ मीठा, कोई पेस्ट्री वगैरह, केक वेक नहीं काटेंगे, पेस्ट्री वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ जो है जाके खाते हैं। और क्या ख्याल है बासित? हाँ सही है, भाई इन सब चीज़ों में खुश होते हैं। वैसे मैं अपनी बर्थडे मनाना पसंद नहीं करता, ठीक है। तो ये है भाई हमारे बासित भाई। कैसे हैं बासित भाई? अल्लाह का शुक्र भाई, आपकी सालगिरह मुबारक हो आपको, ठीक है। और बस अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और अच्छी सेहत वाली लंबी उम्र दे आपको। और बासित भाई हमारी बाइक का बहुत ख्याल रखते हैं। और बात दिया कल सीन करना है इसका, कल बाइक लेके आना तुम। और अब हम चलते हैं भाई, ज़रा कुछ हल्का फुल्का खा के आते हैं। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे बासित भाई के घर के बाहर, बैठते हैं इसमें। सैनिटाइज भी कर लिया बासित भाई आपने? चले अंदर चले, देखते हैं बासित भाई क्या खिला रहे हैं आज अपनी सालगिरह की खुशी में। और यहाँ पे बहुत सारे जो है वो वैरायटी के केक हैं, लेकिन हम केक नहीं लेने वाले। हाँ, अगर बासित भाई को एंग्री बर्ड वाली लेनी है तो उनको, बच्चे हो तुम छोटे। अच्छा, ये वाकई ये लेनी है? नहीं मुझे भाई एक चॉकलेट पेस्ट्री दे दें, एक छोटी वाली, क्योंकि आज तो मैंने पेस्ट्री खाई है ना। सही है, 3500 रुपये में बर्थडे यहाँ पे फारिग हो रही है, और क्या चाहिए ना? ये दे दें। और क्या खिला रहे हो वैसे? और क्या खिला रहे हो वैसे? वाह भाई वाह। नहीं नहीं, अभी इसके लिए भी बॉक्स, मतलब नहीं यहीं पे खाओगे तुम, लाइव खाओगे क्या भाई? ऐसे ही दे दें, ऐसे ही दे दें, ऐसे ही दे दें, ऐसे ही दे दें, खाओ यहाँ यहीं पे खाओ। वाह, एक निवाले जितना। नहीं आप खाओ खाओ खाओ, अरे नहीं नहीं खाओ, इतने इसमें कितना हाफ करोगे तुम? नहीं नहीं खाओ, एक निवाले में जानी चाहिए। हैप्पी बर्थडे बासित भाई, ये गया। चले अब हम कुछ तीखा खाएंगे, बिल भी आ गया भाई इसका। अच्छा भाई, क्योंकि रात के टाइम पे हम लोग आए हैं तो ज़्यादा कुछ तो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये हमने लास्ट टाइम बारिशों में आए थे तो खाया था ये पिज़्ज़ा छोटा वाला, तो ये अच्छा था यार। दो ये दीजिएगा, और ये रोल किस चीज़ के हैं? वो वाले रोल किस चीज़ के हैं? वो कॉलिंग स्टाफ भाई, हम लोग घर पे आ गए और ये देखें छोटी छोटी खुशियाँ। सही है ना? अब पहले हम इसका रिव्यू देंगे और पहले हम खाएँगे पिज़्ज़ा। बिस्मिल्लाह। इतना बड़ा लार्ज पिज़्ज़ा लेते हैं, हाँ बेहतर है ये। एक में वाला हमने पिज़्ज़ा खा लिया, बेगम की कॉल आई, पूछेंगे खाना खाने का क्या सीन है। मैंने बाहर खाऊंगा बासित के साथ, तो उसने बोला पूरा हफ्ता हो गया आप बाहर खाना खा रहे हो, मतलब यार क्यों मुस्तफ़ा? मैंने बोला फिर हम हल्का फुल्का कुछ सेटअप करते हैं और खाना मैं घर पर ही जाके खाऊंगा। तो बासित ने यही बोला कि मुझे लग रहा है आज बासित की बर्थडे तो घर पे कुछ स्पेशल है, लेकिन मुझे कटा रहा है नहीं, मैं किसी बहाने से निकल जाऊं और जो है ना ये फिर वीआईपी फोड़ेगा। आपकी सालगिरह की खुशी है ना, तो मैं खा रहा हूँ, मुनासिब नहीं है ना, आप ही खाए। मैं सबसे पहले ये ट्राई करूँगा। ओके, एक बात बताऊँ बासित भाई, अभी तक तो हमने रिवील ही नहीं किया कि हमने कहीं किसी मुल्क का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, बताना है अभी नहीं, तो अभी बता नहीं रहे, लेकिन अभी बता नहीं रहे, लेकिन यह है कि किसी मुल्क का आप लोग गैस करें, मेन चैनल के ऊपर इसकी वीडियो आएगी, लेकिन आप लोग गैस करें कि। और यार कितना, तकरीबन 1.5 महीना हो गया मेरा पासपोर्ट जमा हुआ, यकीन करें, और ना वीज़ा दे रहे हैं ना मना कर रहे हैं, और 1.5 महीना हो गया और अब पता नहीं कब होगा। हालांकि मैंने मार्च के एंड में तो ट्रैवल डेट्स मेंशन किए हैं उसके ऊपर, तो आप लोग गैस करें मैंने कहाँ के लिए अप्लाई किया होगा। ठीक है, तीन ऑप्शन दे रहे हैं, तीन ऑप्शन
तीन ऑप्शन में लोग पहचान ना जाए। चले तीन ऑप्शन के अंदर एक जर्मनी, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स और एक यूके। अब आप सोचें कि किस का अप्लाई किया होगा, ठीक है, और क्या डिसीजन आया। दुआ कीजिएगा यार वीज़ा लग जाए, वीज़ा की फ़ीस भी पे की है, 25,000 रुपये वीज़ा की फ़ीस पे की है और वो जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। तो दुआ कीजिएगा कि वीज़ा लग जाए। तो इसी के साथ हम लोग व्लॉग एंड करते हैं मेरे ख्याल से। मैं भी घर जा रहा हूँ क्योंकि फिर आगे रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान के अंदर बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ आने वाली है इंशाल्लाह, फूड की सीरीज़ आने वाली है। फिर हम आपको सहरी भी दिखाएंगे कराची के अंदर क्या होती है, इफ्तार की रौनक है, मस्जिद की रौनक है, सब दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।